आगरा में प्रताप नगर स्थित बुर्जीवाला मंदिर परिसर में गुरुवार को दशहरा शोभा यात्रा आयोजन समिति की ओर से भगवान श्री राम की राष्ट्र तिलक समारोह की उद्घोषणा की गई। राजगद्दी समारोह का आयोजन केशव कुंज स्थित अष्टभुजा दुर्गा मंदिर पार्क में आयोजित होगा। अध्यक्ष महेंद्र खंडेलवाल एवं राजगद्दी प्रभारी तरुण सिंह ने बताया कि दो दिवसीय राजगद्दी कार्यक्रम का अध्यक्ष क्षमा जैन सक्सेना को बनाया गया है। 7 अक्टूबर को प्रताप नगर स्थित अष्टभुजा दुर्गा मंदिर पार्क पर सांस्कृतिक संध्या में बच्चों के लिए रंगोली, मेहंदी, थाल सज्जा, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 8 अक्टूबर को राजगद्दी शोभा यात्रा हनुमान मंदिर से प्रारंभ होकर अष्टभुजा दुर्गा मंदिर पार्क पहुंचेगी। जयपुर हाउस प्रताप नगर की जनता प्रभु श्री राम का भव्य स्वागत कर इस महोत्सव बड़ा रूप प्रदान करेगी एवं अष्टभुजा दुर्गा मंदिर पार्क प्रभु श्री राम की राजगद्दी लगेगी। राजगद्दी अध्यक्ष क्षमा जैन सक्सेना ने बताया कि 8 अक्टूबर को निकालने वाली राजगद्दी शोभा यात्रा का जगह जगह स्वागत व आरती की जाएगी। राजगद्दी समारोह में समापन पर स्वरूपों, मेला कमेटी, मेघावी विद्यार्थियों, समितियों के दानदाताओं और सहयोगियों का सम्मान भी किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य संरक्षक विपिन चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष विनय अग्रवाल, प्रभारी तरुण सिंह, महामंत्री राजपाल यादव, राहुल चतुर्वेदी, हेमंत प्रजापति, ब्रज मोहन बंसल, विजय बंसल, अमित अग्रवाल गुंजन, मित्तल वर्षा गर्ग, प्रीति मित्तल, एसएस अथेया, हरियंत जैन, विक्रांत सिंह, दीपक अग्रवाल, सचिन शर्मा आदि मौजूद रहे। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कमेटी को कि उन्होंने मुझे महिला मंडल के अध्यक्ष बनाने के बाद दशहरा शोभा यात्रा के बाद जो आप एक राजगद्दी का प्रोग्राम होता है उसमें आपने मेरे को अध्यक्ष बनाया है। और ये सब मैंने अपने क्षेत्रीय जनता और क्षेत्र के लोगों के विश्वास पर कि हम ये कार्यक्रम अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि एक जनकपुरी 2012 में भी जयपुर हाउस में आई थी, बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ भगवान राम को लाया गया था, कार्यक्रम हुए थे। यहाँ की महिलाओं से जब मैंने बात की तो उनमें बहुत उत्साह की लहर है कि एक बार फिर श्री राम जी हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, तो हम लोग बहुत इसे धूमधाम से मनाएंगे। इस बार मैं 2 दिवसीय प्रोग्राम करना चाहती हूँ। क्षेत्र में माहौल इतना अच्छा है कि सब लोग कहते हैं कि जब भगवान श्री राम जी यहाँ तिलक होगा तो निश्चित रूप से एक दिन पहले महिलाएं लेडी संगीत करें, कुछ मेहंदी लगाए, इस तरह का प्रोग्राम करेंगे। और हमारे क्षेत्रीय काफ़ी लोग हैं, आदरणीय बी एम बंसल जी हैं, विजय भाई कागजवाली जी हैं, अमित अग्रवाल जी हैं और तमाम सारे लोग हमारे जुड़ी हुई महिलाएँ हैं, तो सब लोग इसे भव्य बनाने का कार्य करेंगे और श्री राम जी की जैसी कृपा होगी वैसे काम। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।